आज हम ऐसे क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं जिनकी मौत को लेकर आज भी इतिहासकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ये बात 1857 की है, जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में विद्रोह की ज्वाला भड़की थी और ऐसे में एक पेशवा ने महाराष्ट्र के मराठा दुर्ग से दूर कानपुर से क्रांति का बिगुल फूका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना साहेब पेशवा की, जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। अगर इतिहास में देखा जाए तो इस क्रांति के बाद नाना साहेब कहीं खो ही गए। कुछ इतिहासकार का मत है कि उन्हें मार दिया गया, तो कुछ कहते हैं कि वह गोपनीय के तरीके से गायब हो गए। हालांकि सच क्या है ये आज तक पता नहीं चला। तो आज की इस वीडियो में हम नाना साहेब की जीवन के बारे में जानेंगे। 1824 को वेणुग्राम में माधव नारायण राव के घर जन्मे नाना साहेब को साल 1827 में पेशवा बाजीराव बल्लाल द्वितीय ने गोद ले लिया था। पेशवा बाजीराव के यहाँ रहते हुए नाना साहेब ने घुड़सवारी, हथियार चलाना और कुशल राजनीति के गुण सीखे। इतिहास में नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया है। हालांकि इसी बीच पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य छोड़कर कानपुर के पास बिटूर राना पड़ा। इस समय तक अंग्रेज ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान 28 जनवरी 1851 को पेशवा बाजीराव की मौत हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु तक पेशवा को $80,000 की पेंशन अंग्रेज सरकार से मिलनी थी, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को दत्तक पुत्र होने के कारण पेंशन देने से मना कर दिया था। ऐसे में नाना साहेब को इस बात से बहुत दुख हुआ। एक तो वैसे ही उनके मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज अपनी हुकूमत चला रहा था, वही दूसरी ओर उन्हें रॉयल्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। 1853 को नाना साहेब ने अपने मंत्रीगण से अजीमुल्ला को पेंशन पर बात करने के लिए लंदन भेजा। अजीमुल्ला खान को हिंदी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वो अंग्रेज की कुरीतियों का शिकार था, इसीलिए नाना साहेब ने उसे अपना मंत्री बना लिया था। इसी दौरान अजीमुल्ला ने अंग्रेज अधिकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी दलाली ठुकरा दी गई। ब्रिटिश अधिकारियों के इस व्यवहार से नाना साहेब बेहद खफा थे। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत को ही सबसे अच्छा विरोध का माध्यम माना। उधर मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ छावनी के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का मन बना चुके थे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई भी तैयार थी। खबर उड़ती उड़ती नाना साहेब के पास पहुंची तो इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर 1857 में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ बगावत छेड़ दी। नाना साहेब ने नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों को कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि अंग्रेज जल्द ही एकत्रित हो गए और उन्होंने फिर एक बार कानपुर पर वापसी की। नाना साहेब और ब्रिटिश सेना के बीच इस लड़ाई ने सत्ती छोरा घाट के नरसंहार के बाद और भी गंभीर रूप कर लिया था। दरअसल 1857 में एक समय पर नाना साहेब ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ समझौता कर लिया था, मगर जब कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर जनरल विलर अपने साथी सैनिकों व अपने परिवारों के साथ नदी के रास्ते कानपुर आ रहे थे तो नाना साहेब के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और सैनिकों समेत महिला और बच्चों को मार दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश पूरी तरह से नाना साहेब के खिलाफ हो गई और उन्होंने नाना साहेब के घर यानी कि बिटूर पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान नाना साहेब जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन यहाँ से भागने के बाद उनके साथ क्या हुआ यह सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह भागने में सफल हो गए थे और अंग्रेज सेना से बचने के लिए भारत छोड़कर नेपाल चले गए। हालांकि रहस्य केवल नाना साहेब के गायब होने की नहीं है, बात उनके बेशकीमती खजाने की भी है। दरअसल जिस समय अंग्रेज ने नाना साहेब के महल पर हमला किया तो उनके हाथ नाना साहेब तो नहीं लगे, लेकिन दौलत के भूखे अंग्रेज ने उनके महल को खोदना शुरू कर दिया। अंग्रेज वहां किसी गुप्त खजाने की तलाश में थे। इसके लिए खास तौर पर रॉयल्स इंजीनियर्स व लगभग आधी ब्रिटिश सेना को काम पर लगाया गया। खजाने की खोज के लिए अंग्रेजों ने कुछ भारतीय जासूसों की मदद भी ली, जिसके चलते वह खजाना ढूंढ पाने में लगभग सफल हो गए। महल में खोज के दौरान अंग्रेज को 7 गहरे कुएं मिले, जिनमें तलाशने पर उन्हें सोने की प्लेट मिली। इससे यह पक्का हो गया था कि नाना साहेब का खजाना इन्हीं कुओं में कहीं छिपाया गया है।
इसी दौरान सारा पानी निकालकर जब कुएं की तलाशी ली गई तो कुएं के तल में बड़े बड़े बक्से दिखे जिसमें सोने की प्लेट, चांदी के सिक्के और अन्य बेशकीमती सामान रखे हुए थे। इतना बड़ा खजाना अंग्रेजों के हाथ लग चुका था। बावजूद इसके उनका मानना था कि नाना साहब खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गए हैं। माना जाता है कि नेपाल के देवकारी गांव में रहते हुए नाना साहब भयंकर बुखार से पीड़ित हो गए थे और इसी के परिणाम स्वरूप मात्र 34 साल की उम्र में 6 अक्टूबर 1858 को इनकी मौत हो गई। वही कुछ इतिहासकार का मत इनसे अलग है। उनका मानना था कि नाना साहब अपने आखिरी दिनों में नेपाल में ना होकर गुजरात के सीहोर में नाम बदल कर रह रहे थे। यहाँ उन्होंने अपना नाम स्वामी दयानंद योगेंद्र रख लिया था और यही बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। जिस तरह अंग्रेजों को नाना साहब के बिटूर वाले महल से मिले बेशकीमती खजाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसी तरह नाना साहब के मौत का भी एक रहस्य बन चुका है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें।